Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Himalaya Wellness Exclusive Herbal Store, opposite Swasth Pharmacy, Padmavati Colony, Mehboob Nagar. MM Jewelers, Gold, Silver and Diamonds. Beside Model Basic School, 5 Chaurasta, Mehboob Nagar. Assalamu alaikum nazreen, Metro News Updates mein aapka istiqbal hai. Aaiye badhte hain aaj ki taza khabar par. United Muslim Advisory Forum ki zere nigrani mein halqe parliament Mehboob Nagar ke azad Muslim umidwaron ki Congress ke haq dast bardari. United Muslim Advisory Forum ki zere nigrani mein ek ijlas ba muqam Paradise Function Palace Mehboob Nagar mein munaqid hua. जिसमें साल 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में हल्के पार्लियामेंट महबूब नगर के दो आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल रहीम समाजी कारकुन और मोहम्मद इम्तियाज एडवोकेट ने कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर वंशी चंद रेड्डी और एमएलए यनम श्रीनिवास रेड्डी महबूब नगर और अकाबरीन महबूब नगर की गुजारिश पर कांग्रेस के हक में दस्त बर्दारी होने का फैसला किया. इस मौके पर मोहम्मद इम्तियाज और अब्दुल रहीम आज़ाद उम्मीदवार ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए सेक्युलरिज्म और दस्तूर की बखा के खातिर हम कांग्रेस के हक में दस्त बर्दार हो रहे हैं. फोरम के सरपरस्त मोहम्मद अवस बिन अहमद बहियात, मोहम्मद गुलाम गौस लेक्चरर व कन्वीनियर, मौलाना अब्दुल नासिर मजहारी, मौलाना गयास तबलीगी जमात सिराज जिम्मेदार जमात इस्लामी हिंद, मोहम्मद मौलवी इस्माइल जिम्मेदार जामियात उलेमा हिंद, मोहम्मद माजिद ज्वेलर्स और मोहम्मद हाजी सलीम को कन्वीनियर और खालिद नवीद मीर शोएब अली ने फोरम की तरफ से दस्त बर्दार होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा किया. इस इजलास में मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद अब्दुल खादिर, मोहम्मद निज़ाम और दिगर ने शिरकत की. देखिए रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स. मैं मोहम्मद इम्तियाज अहमद हल्के महबूब नगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैं नामिनेशन डाला हुआ हूँ. आज मैं महबूब नगर की तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए और फॉरम की रिक्वेस्ट से और महबूब नगर के वासियों की रिक्वेस्ट से आज मैं अपना नामिनेशन को ड्रॉप कर लेना चाह रहा हूँ. इन लोगों की ख्वाहिश से और तरक्की के लिए मैं, ना कि कोई मफाद के लिए नहीं ड्रॉप कर रहा हूँ. आज हम सब मिल के हम कौम की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए एकजुट होने के लिए आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं और प्रेस मीट दे रहा हूँ. आज मैं इस मौके से मैं और इतला देना चाह रहा हूँ. आज मैं कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, इसीलिए कि इस पार्टी में कौम की तरक्की, देश की तरक्की के लिए हर एक सबब बन रहा है. आज एक लीडर, हर आदमी एक लीडरशिप के लिए जा रहा है. एक लीडर कभी भी पैसों के लिए और पावर के लिए काम कभी नहीं करना चाहिए. आज हर आदमी पैसे के लिए, पावर के लिए काम कर रहा. कभी भी लीडर, एक अच्छा लीडर कभी पैसे के लिए नहीं जाता. वो सिर्फ़ एक देश की तरक्की के लिए और सर्विस के लिए और देश की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाह रहा था. वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु. स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जितने भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग हजरात, उलमाए-ए-दीन, दानिश्वर हजरात तमाम को और मेरे साथियों और मेरे जितने भी यहाँ पर बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सबको मेरा फिर एक बार अस्सलाम वालेकुम. और ख़ासकर जो मेरी प्रेस मीडिया है और जो सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तमाम को भी मेरी तरफ से सलाम है. हम यहाँ पर जमा होना एक मकसद इस वास्ते हुआ है कि मैं इंडिपेंडेंट के तौर पर नामिनेशन दाखिल कर चुका हूँ. इस नीयत के साथ के उम्मते मुस्लिमा जो है आज हिंदुस्तान के अंदर जो हालात दरपेश हैं, उस बात को मैं पार्लियामेंट में रखने के लिए, वहाँ पर कुछ हमारी कौम की मिल्लत की मदद करने के लिए जज्बे से ही मैंने इंडिपेंडेंट नामिनेशन दाखिल किया था महबूब नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हजरात हैं, उलमाए दीन हैं, हमारे दानिश्वर हजरात हैं और हमारी जो टीम है मेरे साथ, जो काम करने वाले मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, जितने भी हमारे साथ, हमारे ख़ानदान वाले और बिलखसूस यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइज़री फॉर्म की तरफ से भी बहुत काविशें, कोशिशें रही, जिसमें ख़ासकर मैं शोएब अली साहब और अवेज़ बहाल साहब और सलीम साहब और खालिद साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने मुझे रुझान दिलाया कि देखिए, अभी कौम मिल्लत की बात हमें बहुत ज़रूरी है, आप बेहतरीन अंदाज में आगे आए हैं, लेकिन हालात हाजरा जो है इस वक्त हमें कांग्रेस को आगे रखकर काम करना चाहिए. तो मैं इन सभी बड़े हजरात की बात को मोहतरम समझकर
उनकी अंदाज को, उनके अल्फाज को मोहतरम समझकर मैं आज इंडिपेंडेंट नामिनेट से बेदखल होने के लिए तैयार हो रहा हूँ। हिंदुस्तान को आज़ादी 1947 में मिली, 50 में जो क़ानून मुदविन हुआ हिंदुस्तान का आइन, अंबेडकर का, डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ, उसी के तहत हम सबको जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मज़हबी आज़ादी मिली, अपनी ज़बान बोलने की आज़ादी मिली, अपने रहन सहन का मामला जो है उसी तरीके से हुआ। मगर आज 1952 में भी एक रेफरेंडम हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, उस वक्त भी जो है दो बातें सामने आई थी, वेदर इंडिया विल बी सेकुलर गवर्नमेंट आर रिलीजन बेस्ड गवर्नमेंट, ये जो है सेकुलर गवर्नमेंट रहेंगी या फिर कोई मज़हबी शनाख्त वाली हुकूमत रहेंगी। मगर वो अल्लाह का करम हुआ कि जो है सेकुलर गवर्नमेंट बनी। फिर उसके बाद जो है ऐसी ही नौबत अब 2024 में आई है, हमारे सामने जो है दो पार्टियां हैं, एक इंडिया अलायंस है, एक इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस को मैं जो है लोकशाही कहता हूँ और इंडिया अलायंस को तानाशाही कहता हूँ। लोकशाही में हमारे मसाइल हल हो सकते हैं, हमारे मजहबी मसले, हमारी ज़बान का मसला, ये सारी बातें जो है हो सकती हैं। तानाशाही में तानाशाही हुकूमत आज जो है नए अंदाज में आ रही है, वो चाहती है कि अंबेडकर का कानून हिंदुस्तान का आइन बदल दे और जो है सावरकर का लिखा हुआ हिंदुत्व कानून जो है इस मुल्क में लाना चाहती है। अगर किसी वजह से हिंदुत्व अगर आ जाता है, मुसलमान, दलित, बिछड़े हुए, पसमानदा, हमारी कोई अहमियत नहीं है। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।